हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल आर के सिविल सर्विसेज स्टडी पॉइंट में। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लेकर आए महत्वपूर्ण पुरस्कार जो कि मतलब पूरे वर्ष के हैं और बहुत ही ज़्यादा इसमें सारे ही इम्पॉर्टेंट पुरस्कार शामिल कर लिए हैं, पुरस्कार या सम्मान भी कह सकते हैं। तो यहाँ से प्रश्न तो बन ही जाते हैं, आप लोग जानते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा क्योंकि इसमें हमने सारे के सारे पुरस्कार शामिल कर लिए हैं जो भी इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए देख लेते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार क्षेत्र साहित्य में दिया जाता है, इसका मतलब क्षेत्र क्या है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये 2019 का भी मिल चुका है, 55वां है अक्कीतम अच्युतन नंबूदरी। तो क्रम भी याद रख सकते हैं, रखना भी ज़रूरी है। 55वां मिला है इस बार अक्कीतम अच्युतन नंबूदरी को, मलयालम कवि हैं। इससे पहले किसको मिला था 54वां, अमिताभ घोष को, जो कि अंग्रेजी लेखक थे। व्यास सम्मान किसको मिला है, ये भी इसका क्षेत्र है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, 2019 का 29वां मिल चुका है नाशिरा शर्मा को। उपन्यास कौन सा है इनका, कागज़ के नाव के लिए, तो कागज़ के नाव ये किसका उपन्यास है, नाशिरा शर्मा का। इन्हीं को व्यास सम्मान दिया गया है 29वां। और 28वां किसको दिया गया था, लीलाधर जगूड़ी, इनकी कविता संग्रह इनकी कविता संग्रह जितने लोग उतने प्रेम। तो उपन्यास भी याद रखना है, इनकी कृति का नाम याद रखना है। सरस्वती सम्मान ये भी साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है, 2019 का ये 29वां है। वासुदेव मोही, ये भी अभी लेटेस्ट है, वासुदेव मोही सिंधी साहित्यकार हैं, लघु कथा चेकबुक, तो याद रखना है ये इनकी कृति भी याद रखना है, चेकबुक, ठीक है, वासुदेव मोही को मिला है, ये सिंधी साहित्यकार हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, 50वां मिला है अमिताभ बच्चन को। 49वां किसको मिला था, विनोद खन्ना को, मरणोपरांत दिया गया था। बिहारी पुरस्कार ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, 29वां ही मिला है, ये सब 29वें हैं, ठीक है। व्यास सम्मान, बिहारी पुरस्कार, ये सब, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार का क्षेत्र अलग है, ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। बिहारी पुरस्कार ये साहित्य के ही क्षेत्र में दिया जाता है, डॉक्टर ऐदान सिंह भाटी को दिया गया है, ठीक है, डॉक्टर ऐदान सिंह भाटी। कविता कौन सी है इनकी, आँख हियेरा हरियल सपना, आँख हियेरा हरियल सपना। तो 28वां किसको दिया गया था, मनीषा कुलश्रेष्ठ, उपन्यास इनका स्वप्न पास के लिए, तो डॉक्टर ऐदान सिंह भाटी को दिया गया है बिहारी पुरस्कार, नाम याद रखना है। मूर्ति देवी पुरस्कार ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ये 33वां है, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को दिया गया, आत्मकथा इनकी अस्थि और भवती, ठीक है, अस्थि और भवती। तो 2017 का 31वां किसको दिया गया था, जॉय गोस्वामी को, रचना इनकी थी डोंडो फुआरा मात्रो को दिया गया था। तो मूर्ति देवी पुरस्कार भी याद रखिए, इम्पॉर्टेंट ही है, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी 33वां है। एविल पुरस्कार ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, तो 2019 का किसको दिया गया, कारेन केसकुला ओहलेनबेक, कारेन केसकुला ओहलेनबेक अमेरिका के हैं, ठीक है। और 2018 का किसको दिया गया था, रॉबर्ट बी लैंगलेट्स अमेरिकन। सर्वश्रेष्ठ सांसद पुरस्कार ये भी 2016 का दिनेश त्रिवेदी, तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं, और 2017 का भर्तृहरि मेहताब, तो ये इनके तो ईयर भी पूछ लेते हैं। तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार ये 2019 का सर डेविड एटनबरो को दिया गया है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 का किसको दिया गया, सर डेविड एटनबरो, ब्रिटेन के प्रसिद्ध प्रसारक व प्रकृतिवादी हैं। 2018 का किसको दिया गया था, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट CSE को दिया गया था। तो ये इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सर डेविड एटनबरो, तो याद रखना है सर डेविड एटनबरो। गांधी शांति पुरस्कार श्री योही साशा कावा को दिया गया है 2018 का, जापानी कुष्ठ रोग उन्मूलन के लिए। और 2017 का एकल अभियान ट्रस्ट को दिया गया था। तो राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार किसको दिया गया है, ये गोपाल कृष्ण, तो ये राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार दिया गया है गोपाल कृष्ण गांधी 2018 वाला। मान बुकर पुरस्कार क्षेत्र साहित्य, ये मतलब साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, इसमें 2019 का किस किस को दिया गया, तो मार्गरेट एटवुड, ये जो है इनकी रचना कौन सी है, दी टेस्टामेंट्स, और बर्नार्डिन एवरिस्टो, इन दोनों को मिला है, मार्गरेट एटवुड और बर्नार्डिन एवरिस्टो, तो ये कनाडा की है मार्गरेट एडवरवुड जो है,
तो ये मार्गरेट एडवुड जो हैं कनाडा की हैं, वर्नाडिन एवरिस्टो ये नाइजीरिया की हैं, इनकी रचना है गर्ल वुमेन अदर और इनकी रचना है दी टेस्टामेंट्स। तो मार्गरेट एडवुड की कौन सी है दी टेस्टामेंट और वर्नाडिन एवरिस्टो की कौन सी है गर्ल वुमेन अदर। तो और 2018 का किसको दिया गया था एन्ना वंस को दिया गया था, ये आयरलैंड की थी और इनकी ऊपर इनकी रचना थी मिल्कमैन। ठीक है, तो मान मुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ये भी साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है और ये 2019 का दिया गया है जोखा अलहार्ती को, 2018 का ओल्गा टुकरचुक को दिया गया है। तो इनकी रचना कौन सी थी फ्लाइट्स और इनकी रचना कौन सी है सेलेस्टियल बॉडीज़, जोखा अलहार्ती की रचना है सेलेस्टियल बॉडीज़, तो याद रखना है। और यश चोपड़ा मेमोरियल पुरस्कार ये आशा भोसले को दिया गया है 2018 वाला और 2017 का किसको दिया गया था शाहरुख खान को दिया गया था। तो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2019, तो इसमें शीर्ष रैंक जो दी गई है वो तमिलनाडु को और जिला पेड़ापल्ली है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार शीर्ष रैंक प्राप्त राज्य कौन है तमिलनाडु, ये ग्रामीण पुरस्कार है। और ये भारत रत्न पुरस्कार 2019 ये नानाजी देशमुख हैं, भूपेन हजारिका हैं और प्रणब मुखर्जी हैं। तो तीनों को मिला है नाना देशमुख, डॉक्टर भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी, तो इनका याद भी रख सकते हैं क्या हैं ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका असम के हैं, ये संगीतकार हैं, प्रणब मुखर्जी पश्चिम बंगाल से हैं और ये भारत के 13वें राष्ट्रपति हैं। तो और नानाजी देशमुख कहाँ से हैं महाराष्ट्र से हैं, तो इनका ये सब भी याद रख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार इम्पॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा, इसको याद रखिए ज़रूर NS धर्म सक्तु को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2019 किसको मिला है NS धर्म सक्तु, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार ये विनोद शुक्ल की पुस्तक है ब्लू इज लाइक ब्लू, ये भी याद रखिए मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार विनोद शुक्ल की पुस्तक ब्लू इज लाइक ब्लू। किशोर कुमार सम्मान ये भी इम्पॉर्टेंट है, अभिनेत्री वहीदा रहमान को मिला है। ठीक है, तो अभिनेत्री वहीदा रहमान को मिला है। एशिया प्रशांत रीजन के सर्वश्रेष्ठ बैंकर ये भी याद रखिए, एशिया प्रशांत रीजन के सर्वश्रेष्ठ बैंकर किसको चुना गया शक्तिकांत दास को। हरित रत्न पुरस्कार 2019 ये मिला है डॉक्टर एन कुमार को, हरित रत्न पुरस्कार 2019 किसको मिला है डॉक्टर एन कुमार को। चैंपियंस ऑफ द चेंज पुरस्कार 2019 ये हेमंत सोरेन को, ये भी याद रखिए इम्पोर्टेंट है। लोकमान तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार संजय गुप्ता को मिला है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार उत्तराखंड, मर्क यंग साइंटिस्ट अवार्ड भारतीय वैज्ञानिक साक सिन्हा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का क्रिस्टल अवार्ड, इस तरीके के अवार्ड भी पूछ लिए जाते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का क्रिस्टल अवार्ड जो मिला है वो मिला है दीपिका पादुकोण को, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है ये। ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया किसको मिला है ये याद रखिए किरण मजूमदार शाह। ठीक है, ग्लोबल चाइल्ड प्रोगडी अवार्ड ये भारतीय मूल के ईश्वर शर्मा है। BCCI के पाली उमरीगर पुरस्कार मिला है जसप्रीत बुमराह को। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखिए। ब्रिटेन का प्रसिद्ध कोस्टा चिल्ड्रेन बुक अवार्ड मिला है जसविंदर बिलान को। क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड मिला है लेखिका माधुरी विजय को। ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड मिला है 2019 पीयूष जायसवाल। यूनिसेफ पुरस्कार याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तेलंगाना के कामारेड्डी जिले ने जीता है। यूनिसेफ पुरस्कार किसको मिला है तेलंगाना के कामारेड्डी जिले को मिला है। टाइम्स पत्रिका का पर्सन ऑफ द ईयर तो टाइम्स पत्रिका का पर्सन ऑफ द ईयर ये पुरस्कार किसको मिला है ग्रेटा थुनबर्ग को। दक्षिण एशिया साहित्य पुरस्कार 2019 ये अमिताभ बागची। 42वां जमनालाल बजाज फाउंडेशन अवार्ड 2019 ये शाहीन मिस्त्री। पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2019 ये जोकर फेम जोकिन फीनिक्स को मिला है। वेलन डियोर पुरस्कार 2019 पुरुष और महिला दोनों में देख लीजिए तो जो है ये इम्पॉर्टेंट ही है, लियोनेल मेसी को मिला है और महिला में मेगन रेपिनो को मिला है। वेलन डियोर पुरस्कार 2019 पुरुष वर्ग में लियोनेल मेसी को और महिला वर्ग में मेगन रेपिनो को। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संस्थान भारत पुरस्कार ये समाचार चैनल NDTV को मिला है। शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक प्राइज 2019 टोनी जोसफ की अर्ली इंडियंस को मिला है। पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर ये भी याद रखिए ये विराट कोहली हैं।
अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2019 ये नेहा दीक्षित को मिला है। एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2019 इलियड किपचोगे को मिला है। एथलीट ऑफ द ईयर महिला में 2019 में दलीला मोहम्मद को मिला है। तो ये भी देख लीजिए, क्वालिटी रत्न पुरस्कार सुरेश कृष्णा, एक क्लब पुरस्कार 2019 जेहली दाल बेहरा उड़ीसा के हैं। बिल बोर्ड की वुमेन ऑफ द ईयर गायकी विली इलिश को मिला है। ठीक है, और अक्की नेनी नागेश्वर राव राष्ट्रीय पुरस्कार 2018-19 ये श्रीदेवी रेखा को। ICCR पुरस्कार 2019 ये रिजवाना चौधरी। तो ये तो इम्पोर्टेंट प्राइज हैं, इसको देख लीजिएगा पूरा का पूरा। और ग्लोबल एशियन अवार्ड 2019 ये कुमार मंगलम बिड़ला को मिला है। राजा राम मोहन राय पुरस्कार ये जो मिला है गुलाब कोठारी को मिला है। ठीक है, तो ये भी याद रखिए, राजा राम मोहन राय पुरस्कार किसको मिला है, गुलाब कोठारी को। मिस एशिया ग्लोबल टाइटल 2019 ये सारा दमना जोबिक सर्बिया की हैं। और जेसी भी पुरस्कार ये माधुरी विजय को। अर्ली करियर रिसर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 ये नीरा शर्मा है। इटालियन गोल्ड सैंड आर्ट अवार्ड 2019 ये सुदर्शन पटनायक को मिला है। इटालियन गोल्ड सैंड आर्ट अवार्ड 2019 ये सुदर्शन पटनायक। सखारो पुरस्कार भी याद रखिए, ये इल्हाम तहाती को मिला है, चीनी अर्थशास्त्री हैं। सखारो पुरस्कार 2019 इल्हाम तहाती चीनी अर्थशास्त्री हैं। यूरोपियन गोल्डन शू पुरस्कार 2019 ये लियोनेल मेसी को, अर्जेंटीना के हैं। गोल्डन ड्रैगन अवार्ड 2019 ये अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मिला है। राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान याद रखिए, ये किसको मिला है, ये प्रियदर्शन। कोमोरोस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द आर्डर ऑफ द ग्रीन क्रिसेंट को मिला है। टैगोर शांति पुरस्कार ये याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। शेख हसीना को मिला है, कहाँ की, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिए। ग्रेटा थुनबर्ग व डिबिना मिलोम को मिला है। डिबिना मिलोम अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार ग्रेटा थुनबर्ग कहाँ की हैं, स्वीडन की हैं। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार 2017-18 ये चंडी प्रसाद भट्ट को मिला है, ये भी याद रखिए। ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार ये 2017-18 का है चंडी प्रसाद भट्ट को। एशिया पर्यावरणीय प्रवर्तन पुरस्कार 2019 ये रमेश पांडे। और स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2019 ये डॉक्टर जैकी किंग। ठीक है, और शस्त्र रामानुजन प्राइज ये 2019 प्रोफेसर एडम हार्पर। नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड 2019 अनीस बेग आशुरो। फीफा 2019 के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर पुरुष में है लियोनेल मेसी और महिला में है मेगन रैपिनो। ये अमेरिका की हैं और ये लियोनेल मेसी कहाँ के हैं, अर्जेंटीना के हैं। तो इस तरीके के ये सारे इंपॉर्टेंट पुरस्कार हैं, प्राइस हैं, आप इसको देख लीजिएगा। बाकी खेल जगत के और सौंदर्य प्रतियोगिताओं के जो पुरस्कार हैं वो हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, बाकी ये पुरस्कार आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।